लाइक शेयर और सब्सक्राइब। डर डर के बोल रहा है। हम अभी सब तैयार हैं, बाहर खड़े हैं। हिमांशु और हम अभी लाइट कर देना, अंधेरा कर देना और उजाला कर देना। और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम अभी तैयार हो गए हैं और अभी हम फिलहाल मांडू जा रहे हैं अभी। और आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी हम मांडू चलते हैं, मांडू जाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। बोल मेरे ऑडियंस को दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। डर डर के बोल रहा है। और हम अभी सब तैयार हो गए, बाहर खड़े हैं हिमांशु और हम अभी लाइट कर देना, अंधेरा कर देना और उजाला कर देना। हम जा रहे हैं अभी। रुक जा। चलो कौन आगे, कौन बैठ रहा? मैं बैठूंगा। पक्का? हाँ पक्का। नहीं तो हम बैठ जाएंगे मोटे मोटे, दो तो पूरी जगह घेर लेंगे। हो गया ही। अब इतने सारे सब मांडू जा रहे हैं, पूरी गाड़ी फुल। ये नालचा मार्केट है, यहाँ से मांडू 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल मांडू में आ गए हैं। ये कमानी दरवाजे पे गेट है, इससे अंदर निकल। गाड़ी दरवाजा ऐसे तो यहाँ 12 दरवाजे हैं, टोटल 12 दरवाजे हैं। ये रानी रुकमती महल का एंट्री पॉइंट, पानी भरा हुआ बहुत सारा है। यहाँ पे हम अभी टिकट लेंगे रानी रुकमती जाने का, 25 रुपये टिकट। ये कौन सा महल? मकबरा है ना। और अभी ऊपर हम चल रहे रानी रुकमती महल जाने के लिए। रानी रुकमती महल जाने के लिए आ गए यहाँ पे और हमने गाड़ी उधर पार्किंग कर दी है और हम ऊपर अभी जा रहे हैं रानी रूपमती महल। और प्रति व्यक्ति यहाँ की टिकट 25 रुपये वैसे, और हम 7 जने आए थे, हमने 175 की टिकट ली है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे आप टोपी चश्मे वगैरह जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। और हम अभी ऊपर जा रहे हैं, जैसे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत सारी दुकान है। और हिमांशु उनको वहाँ तक जाना है रानी रूपमती महल, आज वैसे भीड़ कम है। और यहाँ पे अगर खाने पीने का कुछ सामान लेते हो आपको निकलवा देंगे बाहर। हाँ हम अभी ऊपर चढ़ रहे हैं रानी रूपमती महल। और स्टार्टिंग हम रानी रूपमती महल ही आए हैं, उसके बाद जहाज महल, हिंडोला महल उस तरफ है, उधर वापस जाएंगे। क्यों ये क्यों बनाए थे पता है? पता नहीं। तो पिछली बार आए थे, गाइड करा होगा, बताया होगा। पता है, ये ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही बड़ा लंबा रानी रूपमती महल है। ये यहाँ का व्यू है ऊपर का रानी रूपमती महल का, यहाँ से पूरा गांव दिखता है, यहाँ से पूरा। आप सब फोटो ले रहे हैं रानी रूपमती महल। कैसा भाई, सब फोटोग्राफी? उधर आंटी अंकल भी खड़े हैं, वो सब फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सब। हमने बहुत सारे फोटो खिंचवा लिया।
रानी रूपमती महल नीचे से जा रहे हैं गुफा इस तरफ से भी पीछे देख सकते हो यहाँ पे और पता है आपको यहाँ पे बहुत ही ठंडी अच्छी हवा लग रही है ऊपर का भी हम ऊपर से आगे ये ऊपर जालियाँ भी लगी हुई है। चलो जल्दी चलते हैं और दूसरे महल पे जाना है रानी रूपमती महल से हिंडोला महल और जहाज महल वो बाकी है कैप्चर करना। मम्मी कहाँ है? सब बाहर आ गए हैं। अपनी मम्मी चल आ जाएंगे अंदर। चलो चलो अब नीचे की ओर जा रहे हैं वापिस। चलो चलो जल्दी आ जाओ यहाँ से पूरा मोड़ है ऐसे मुड़ के वो एक और मोड़ है वहाँ पे गेट है उसके बाद वो छोटा सी दुकान का मार्केट आ गया। फाइनली हम उतर चुके हैं रानी रूपमती महल से और अब रानी रूपमती महल बाय बाय करने का टाइम आ गया। बाय बाय कर दो अब हम दूसरे महल पे जा रहे हैं हिंडोला महल जहाज महल उधर है उस तरफ जा रहे हैं। तो गाइस अब उधर का भी बताएंगे आपको। रोड में बाद बहादुर का मकबरा मिला है उसको देख लेते हैं और आपको कैमरा देख करके बता देता हूँ। बहादुर महल का पूरा व्यू क्या क्या है पूरा लिखा है निर्माण कब हुआ था वो। ये वाला पास में बावड़ी पता नहीं क्या है पानी बहुत सारा है इस तरह का महल है इसका ये बाज बहुत बहुत दूर का महल। हाँ भिंड में क्या है पता नहीं ये अंदर का व्यू है आपको मैं बाज बहादुर महल दिखा देता हूँ। सॉरी मैंने मकबरा बोल दिया था महल है बाज बहादुर का इस तरफ आपको दिखा देता हूँ बहुत ही शानदार है ये और ऊपर ऊपर खुला आपको भी दिखा देता हूँ बहुत ही बड़ा है ये पूरा खुला और उस तरफ भी बहुत ही बड़ा है बाज बहादुर का महल पूरा। यहाँ पे भी बावड़ी बनी है अंदर एक पूरा चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया है। पिछली बार हम आए थे लेकिन इस बाज बहादुर के महल में नहीं आए थे तो अंकल गार्डनिंग कर रहे हैं घास की कटाई और हम जिस तरफ आए थे उस तरफ वापस आ गए यहाँ पे और बाकी उधर फिर अंदर गए हैं इसलिए हम नहीं जाते हम घूम फिर के आ गए। अभी हम इस साइड भी आए हैं बाज बहादुर का जो महल में ये महल साइड का टूट चुका है और आप इतना कर सकते हो जब स्टार्टिंग में जब राजा महाराजा ने बनाया होगा तब कितने शानदार होंगे अभी तो और ज़्यादा समय हो गया सब टूट फूट के खंडर हो गए हैं। और इस तरफ से भी आपको बताता हूँ ये वाला बहुत ही शानदार है। गाइस मैं फाइनली बाज बहादुर महल से बाहर जा रहा हूँ अब बहुत ही बड़ा है रानी रूपमती महल से भी बड़ा है ये और आपको मैं कैमरा बैक करके दिखा देता हूँ ये यहाँ का व्यू है पीछे वाली तालाब भी छोटा सा ये वाला रेवा कुंड। बाज बहादुर के महल से हम निकल गए अभी जा रहे हैं रूपमती महल से भी आ गए इंडोला महल और जहाज महल तरफ जा रहे हैं। ये रेवा कुंड है रेवा कुंड से पानी निकल रहा है सड़क पे नर्मदा का पानी डोला। अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको जहाज महल इंडोला महल इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं पहले वो नहीं था खबर कैसे देते हाँ। वो इससे खबर देते थे हाँ। अभी हुसैन शाह मकबरा के पास से होके जा रहे हैं हुसैन शाह का मकबरा कौन सी जामा मस्जिद वो आगे वाली पीछे वाली ये जामा मस्जिद ये भारत में पहली संगमरमर की पहली मां पूरे इंडिया में बनी ये मकबरा है बने हुए सब सब ये आपको दिख रहे हैं ना ये वाले पूरा भारत में बना हुआ पहला है। आज महल आ गए हैं यहीं से हम अभी टिकट लेंगे उधर से अंदर जाएंगे जहाज महल के अंदर जा रहे हैं अंदर की ओर जाके आपको पूरा व्यू बताएंगे। जहाज महल के अंदर हम आ गए हैं वहाँ से टिकट चेक करवा ली है वहाँ पे चलो चलो सामने देख के चलो। तो गाइस ये तवेली महल है गेट के पास में नीचे म्यूजियम है इसके नीचे ये सामने वाला जहाज महल है पूरा तवेली महल इस तरफ मैंने बताया था नहीं बोला।
इस तरफ भी तालाब है और इस तरफ भी तालाब है, दोनों तरफ तालाब है। ये तवेली महल का व्यू सामने वाला, इस तरफ तालाब है पूरा, यहाँ पे पानी देखो कितना हरा हरा, पूरा खराब हो गया। ये सामने का व्यू है महल का, जहाज महल। जहाज महल पूरा यहाँ पे लिख रखा, कभी सिस्टम था। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं अभी, जहाज महल में बहुत सारे चिड़िया हैं, वो बहुत ही बड़ा है। ऊपर से व्यू भी देखेंगे, ऊपर से बताइए, ऊपर चढ़ रहे हैं जहाज महल। हम ऊपर चिड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से आपको पूरा व्यू बताएंगे। वो गेट है, वहाँ से हम आए थे इधर घूमते हुए, हमने फोटो वहाँ खिंचवा, जो लोग खिंचवा रहे वहाँ पे। उस तरफ तालाब भी है और ये यहाँ पे देख सकते हो कितना पानी, पूरा काला काला, इतना डर लग रहा। ये चिड़िया चढ़ के ऊपर आए, यहाँ से पूरा व्यू बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हम ऊपर भी जा रहे हैं, उस तरफ है हिंडोला महल, वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अपन जहाज के ऊपर खड़े हैं। हाँ, ये तरफ वाला तालाब ये है, बहुत ही बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा आ रही इस तरफ। और उस तरफ भी है तालाब, इस तरफ भी तालाब, बीच में ये जहाज महल, और उस तरफ देख सकते हैं बहुत ही लंबा है। और यहाँ पर अगर आए ना तो हम फिलहाल में जहाज महल के ऊपर ही है, और आपको दिखा दिए दोनों तरफ तालाब, इस तरफ भी तालाब, उस तरफ भी तालाब। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अभी ऊपर की ओर, पहले हम पहले उधर भी गए, बहुत पानी इतना। और उस तरफ वाला तालाब आपको भी दिखाता हूँ, दो ये दिखाई दे रहा आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं अभी। ये पूरा अभी नीचे भी जाएंगे, वो भी व्यू बताएंगे आप बना रखा है तो पूरा। हाँ पानी भरा हुआ था, टॉप पे जा रहे हैं अभी हम, ये टॉप है, देखो तोता उधर, ये टॉप है यहाँ पे जहाज महल का। मैं टॉप चोटी के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा हिंडोला महल, और मैं भी खड़ा हूँ यहाँ। ये जहाज महल का पूरा व्यू, और ये जस्ट उसके बगल में हिंडोला महल है। हाँ इस साइड वाला, ये अपन जहाज महल में, ये वाला व्यू देख सकते हो। यहाँ पे छत के ऊपर का पानी जाने का नाली किस तरीके से बना रखे आप देख सकते हो ये, और यहाँ पे देख सकते हो किस आकार में बना रखे, चौकोर आधा पानी उस तरफ जाता है और आधा इधर नीचे की ओर, और यहाँ पानी भराता होगा, यहाँ पानी भराता होगा, घर भरा हुआ है। आकृति देख सकते हो पानी निकालने की, नाली की बहुत ही शानदार बना रखी। ये हिमांशु उतर गया पूरे बावड़ी के अंदर, यहाँ पानी इकट्ठा होता होगा, अभी तो भरा हुआ नहीं। चल अब चलते उधर नीचे, चल जल्दी नीचे की ओर उतर रहे हैं, उतरने का नीचे की ओर। हम जहाज महल से ऊपर से नीचे की ओर आ गए, नीचे का व्यू देख सकते हो, ये पूरा टूट गया है जहाज महल, और अब हम उधर जा रहे हैं। निकलने का किस तरफ से है यहाँ पे, और ये अंदर का व्यू, पत्थरों को कितने तराश के ना डिजाइन बना रखी, बहुत ही बढ़िया है ये। चलो इस महल का छत का व्यू, पूरा गीला गीला बारिश की वजह से, और ये है पानी, ऊपर से पानी आने का, ये है हाँ उस टाइम का स्विमिंग पूल है नहाने का। अरे अंदर मत जाना, पानी ख़राब है बिल्कुल, देख सकते हो काला काला हो पानी। वो हम ऊपर गए थे टॉप पे, वो वहाँ पे, वहाँ से हम वापस नीचे की ओर आ गए, और अब हम जा रहे हैं हिंडोला महल की ओर। और आपको इधर यहाँ से गार्डन का पूरा व्यू बता देता हूँ एक बार, ये यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। हम उस तरफ जा रहे हैं हिंडोला महल की तरफ, ये हम थे जहाज महल पर भी, ये पूरा व्यू यहाँ का। चलो गार्डन बहुत अच्छा, ये हिंडोला महल है, ये हिंडोला महल इस तरफ था, ये
कौन सा महल? वो हिंडोला है। हिंडोला है, ये दूर से हिलता दिखता है। मतलब दूर से हिलता है ऐसा प्रतीत होता है, बाकी हिलता नहीं है। इस आकृति में बना रखा है इसलिए इसको बोलते हैं हिंडोला महल। देख सकते हो ये वाला ड्रिंकिंग वाटर, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल, शाही महल, इस तरफ है, बावड़ी देखे, अरे इस तरफ भी है। जल हिंडोला महल, हम हिंडोला महल की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा खंडर हो चुके हैं, महल के दीवार है। ये हिंडोला महल है, ये पूरा हिंडोला महल के बना रखा है। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था पूरा डिटेल, इसलिए इसका नाम रखा है हिंडोला महल, की हिलता हुआ प्रतीत होता है। हम अभी हिंडोला महल के पास में आ गए, अंदर जा रहे हैं। देखो इसकी आकृति दीवार, पूरा खुला। कहा जाता है कि यहाँ पे बैठक होती थी, ऊपर से हवा अच्छी ठंडी आती, हवा लेने के लिए इसको खुला रखा था। ये हिंडोला महल, हिंडोला महल है। और ये चंपा बावड़ी, हम चंपा बावड़ी की तरफ जा रहे हैं। उधर बावड़ी देखने, ये दिलावर खां की मस्जिद इस तरफ है। चंपा बावड़ी देख लेते हैं अपन। पानी पूरा इतना गंदा हो रहा है इसमें, बहुत ही गंदा क्या। हाँ अरे पूरा पानी इसमें बहुत गंदा है, इस तरफ देख सकते हैं, पूरा बहुत ही गहरी, पूरा खंडर हो चुका है इधर। चंपा बावड़ी वाला पूरा एरिया पूरे टूट चुके हैं उधर का एरिया। ये चंपा बावड़ी है यहाँ पे। हाँ हाँ, इसमें सब अलग अलग रूम बने हुए हैं, इस तरफ भी है, सारे के सारे रूम है इधर साइड साइड में पूरा है। यहाँ ये शाही परिसर था पूरा, ये बैठने का इधर पूरा। ये दरवाजे सारे टूट गए, वो बंदर भी है वहाँ पे छोटे छोटे, आपको जूम करके दिखा रहे, ये बैठे हैं। और हिंडोला महल है सामने वाला, अभी इधर से आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ हिंडोला महल का, ये पूरा। तो गाइस हम हिंडोला जहाज महल में नीचे नहीं गए थे, तो हम नीचे जा रहे हैं अभी। हिंडोला महल घूम के आए थे, जहाज महल ऊपर गए थे लेकिन नीचे नहीं गए थे। बहुत ही बढ़िया पूरा अंदर का व्यू, ऊपर देखो उस तरफ तक, और इसका छत का लेवल देखो, छत बहुत ही, और ये नीचे का बहुत ही बड़ा है। नीचे हम वैसे नहीं आए थे इसलिए अब जाते जाते नीचे भी घूमते हुए जाए करके। चल चल चल, वो तालाब है सामने, बहुत ही बड़ा है नीचे से, हम नीचे नहीं आए थे। चल वहाँ से उस तरफ तक बहुत ही बड़ा है। ये बाहर का व्यू, चल 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 चल, आजा आजा आजा, चलो हो गया। आप हम वहाँ से ऊपर से चले गए थे, उधर से उतर उतर के नीचे नहीं गए थे, अब हम वापस बाहर की ओर जा रहे हैं। चल चल के थक गए। चलो तो गाइस फाइनली हमने जहाज महल हिंडोला महल दोनों घूम लिए हैं, और चल चल के थक गए, वैसे भूख भी लग रही है। और फिर कैसा लगा आज कभी यहाँ पे अपन देखने आए, जबरदस्ती बुला रहे, ऐसा लग रहा थक गया पसीना पसीना हमारा। और आप वीडियो पूरा देखना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम अब वापस जा रहे हैं हमारे घर पे, घर धार धार, अभी हम जा रहे हैं धार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम सब जा रहे हैं वापस।